वेलकम बैक गाइस, आप देख रहे हैं टेक्नो अपलिफ्ट। तो गाइस, अगर आपके पास विंडोज 11 का लैपटॉप या पीसी है और आपको काफ़ी ज़्यादा स्लो परफॉर्मेंस, लैगिंग इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, गेमिंग करते वक्त आपको काफ़ी एफपीएस ड्रॉप देखने को मिल रहा है, बहुत लैग करता है गेम, तो जो मैं आपसे आज मैथड शेयर करने जा रहा हूँ, इन मैथड को यहाँ पर अप्लाई करिए और बाई द एंड ऑफ दिस वीडियो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लैरिफाई कर दूँ कि अगर आपके पास कोई पुराना हार्डवेयर है जिसमें 4GB रैम है या उससे कम है और अभी भी आप हार्ड डिस्क को ही यूज़ कर रहे हो, तो गाइस जितना भी आप यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन कर लो कुछ खास काम नहीं आने वाला, सिर्फ 3-4% का फ़र्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे यहाँ कोई झूठा कमिटमेंट नहीं करूँगा कि आपको यहाँ पर जादू देखने को मिलेगा, रॉकेट की तरह चलने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका अगर हार्डवेयर यहाँ पर अच्छा है तो ये ऑप्टिमाइजेशन आपके परफॉर्मेंस को बूस्ट करेंगी, लेकिन अगर आपका हार्डवेयर अच्छा नहीं है तो आप जितना भी ऑप्टिमाइजेशन कर लीजिए बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास पुराना हार्डवेयर ही है जहाँ पे 2GB या 4GB की रैम है और हार्ड डिस्क पे ही आप अगर यूज़ कर रहे हो, फिर भी अगर आप विंडोज़ 11 को इन्जॉय कराना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है टाइनी 11 पे। आप टाइनी 11 को ट्राई करिए जो विंडोज़ 11 का सबसे लाइट वेटेड वर्जन है और वहाँ पर आप स्मूथ तरीके से विंडोज़ 11 को यूज़ कर पाएंगे। और बाकी अगर आपके पास मिड लेवल या हाई एंड पीसी है फिर भी आपको लैगिंग इश्यूज आ रहे हैं, तो बस जो अब मैं आपसे स्टेप्स शेयर करने जा रहा हूँ इनको यहाँ पे अप्लाई करिए और फिर आपको रॉकेट जैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने विंडोज 11 के डेस्कटॉप पे और यहाँ पे ट्रबल शूटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, अगर विंडोज आइकन पे राइट क्लिक करके हम टास्क मैनेजर को ओपन करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस में क्या रिपोर्ट है वो दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे सीपीयू यूसेज, मेमोरी यूसेज, डिस्क यूसेज और उसके बाद राइट हैंड कॉर्नर पे आप देखेंगे तो प्रोसेस कितने रन हो रहे हैं वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। अब जितना कम यहाँ पे प्रोसेस रन करेगा, जितना कम यहाँ पे सीपीयू और मेमोरी यूसेज होगा, उतना आपका यहाँ पे कंप्यूटर अच्छा चलेगा। तो इसी को भी यहाँ पे हम रिड्यूस करेंगे, तो आप इसको आप देख लीजिए और जब हम ट्रबल शूटिंग कम्प्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे काफ़ी फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला काम जो रेकमेंडेड है कि आप उन सारे एप्लीकेशन को यहाँ से डिलीट करिए, अनइंस्टॉल करिए जिसको या तो आप यूज़ नहीं करते हैं या जिसको आप पहचानते ही नहीं है। तो अगेन विंडोज आइकन पे राइट क्लिक करिए, सेटिंग्स में जाइए, लेफ्ट हैंड मेन्यू ऑप्शन में आपको ऐप्स वाला सेक्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करिए, फिर इंस्टॉल्ड ऐप्स पर क्लिक करिए और देखिए जितने भी प्रोग्राम आपके यहाँ पर इंस्टॉल होंगे वो यहाँ पर आपको शो करेंगे। तो लेट्स से जैसे आप यहाँ पर क्लिप चैम्प है, वीडियो एडिटर है, वो आप यूज़ नहीं करते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है, तो यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके इसको अनइंस्टॉल करा सकते हैं। इसी तरीके से आप देखते जाइए जिनका भी यूज़ आप नहीं करते हैं, जिनका भी इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, उन सब को यहाँ से आपको अनइंस्टॉल कर लेना है, क्लियर। तो यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट ऐप भी मिलेगी और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो आपने अपने से इंस्टॉल किया होगा वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना करने के बाद लेफ्ट एंड मेन्यू ऑप्शन में आपको पर्सनलाइजेशन वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने पे आपको कलर्स वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट, ये आपका यहाँ पे इनेबल्ड होगा, इसको यहाँ पे आपको टॉगल ऑफ कर देना है। डिसेबल करने के बाद फिर सेटिंग्स में लेफ्ट एंड मेन्यू ऑप्शन में आपको मिलेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, यहाँ पर क्लिक करिए और फिर यहाँ पर देखिए सारी परमिशन आपको देखने को मिलती है, विंडोज़ परमिशन, तो यहाँ पे इन सारी परमिशन को यहाँ पे आपको डिसेबल करना है, लाइक जनरल पे क्लिक करिए और इनमें से किसी की भी ज़रूरत आपको नहीं है और वाकई में अगर यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो इन सब को यहाँ पे आप डिसेबल करिए, बैक आइए, दूसरे जो ऑप्शन है स्पीच वगैरह इसको भी यहाँ पे डिसेबल करिए, इंकिंग टाइपिंग पर्सनलाइजेशन इसको डिसेबल करिए और डायग्नोस्टिक फीडबैक जो दिख रहा है आपको ये सारे को यहाँ पर आपको डिसेबल करना है और उसके बाद थोड़ा से नीचे आने आपको मिलेगा ऐप परमिशन, तो इनमें से मान लीजिए कि आप लोकेशन का यूज़ नहीं करते हैं तो लोकेशन को भी टर्न ऑफ करिए। फिर उसके बाद है कैमरा, माइक्रोफोन, वॉइस एक्टिवेशन, तो अगर कैमरा यूज़ नहीं करते तो उसको आप डिसेबल करिए, माइक्रोफोन यूज़ नहीं करते तो उसको डिसेबल करिए, नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक करके इन दोनों को यहाँ से डिसेबल करिए और फिर और नीचे आने पर फ़ोन कॉल, कॉल हिस्ट्री, ईमेल, टास्क, मैसेजिंग, रेडियोज़, इन सब को यहाँ पर आपको डिसेबल करना है, कोई भी इसको यूज़ नहीं करता है, क्लियर। इनको डिसेबल करने के बाद लेफ्ट एंड मेन्यू ऑप्शन में ही आपको गेमिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करिए, एक्सबॉक्स गेम बार पे क्लिक करिए और इसको यहाँ से तुरंत डिसेबल कर दीजिए। बस इतना करने के बाद इसे यहाँ से क्लोज करिए
अब नेक्स्ट राइट क्लिक करिए विंडोज आइकन पे, दोबारा से टास्क मैनेजर पे जाइए। टास्क मैनेजर में आपको लेफ्ट हैंड मेन्यू ऑप्शन में मिलेगा स्टार्टअप ऐप, यहाँ पे क्लिक करिए। अब गाइज यहाँ पे आपको सारी एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगी। अब इनमें से आपको वो एप्लीकेशन फाइंड आउट करनी है जिन्हें आप नहीं चाहते हो कि आपके कंप्यूटर के साथ यहाँ पे बूट हो। तो यहाँ पे जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज, मैं नहीं चाहता कि ये स्टार्ट हो। जब भी मुझे ये चाहिए होगा तो मैं मैनुअली इसे ओपन कर लूँगा। इस पर राइट क्लिक करिए और डिसेबल करिए। माइक्रोसॉफ्ट टीम भी नहीं चाहिए, डिसेबल करिए। वन ड्राइव भी नहीं चाहिए, डिसेबल करिए। और इसी तरह से अदर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अगर आपको दिखती है, लाइक स्टीम है, डिस्कॉर्ड है, कोई भी सिमिलर ऐसा, तो उसको यहाँ पे आप डिसेबल करिए। बस इतना करने के बाद सब क्लोज करिए यहाँ पे। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, अपने विंडो सर्च पे यहाँ पे आप क्लिक करिए, CMD टाइप करिए, कमांड प्रॉम्प्ट आएगा, इस पर राइट क्लिक करिए, रन एज एडमिन कराइए, यस पे क्लिक करिए, ब्लैक विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम डाउनलोड करने वाले हैं उन सारी एप्लीकेशन को जिनको आप यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। तो आपको एक कोड मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, इसको आपको कॉपी करना है और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कराना है। एंटर करिए और एंटर कराने के बाद इस तरह से देखिए आपका ये थोड़ा सा यहाँ पे रन होगा और कुछ ही देर में आपके पास इस तरह का एक बॉक्स ओपन होगा। ये एक डाउनलोडर है जो एक फेमस यूट्यूबर क्रिस टाइटस टेक ने यहाँ पे बिल्डअप किया है। काफ़ी यूजफुल टूल है और ये आपके यहाँ पे काफ़ी काम आने वाला है। तो जैसे ये बॉक्स ओपन हो, यहाँ पे आपको टॉप मेन्यू ऑप्शन में ट्विक्स पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद उसके नीचे आपको मिलेगा लैपटॉप या डेस्कटॉप, तो जो भी आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट करो। जैसे मैं डेस्कटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा और देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे चेक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसको यहाँ पे मैनेज करने वाला है। तो हम यहाँ पे डिलीट टेम्परेरी फाइल को भी कर देते हैं और रन डिस्क क्लीनअप को भी चेक कर देते हैं। आप भी इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर इनकेस इनमें से आपको कुछ ऐसा नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ से अनचेक भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड में आइए, यहाँ पे कुछ एडवांस ट्विक हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को भी हम यहाँ पे डिसेबल करेंगे, लाइक डिसेबल नोटिफिकेशन ट्रिक कैलेंडर, माइक्रोसॉफ्ट एज। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज़ नहीं करते हैं तो इसको यहाँ पे चेक करिए, वन ड्राइव को चेक करिए। और उसके बाद यहाँ पे डिसेबल IP वर्जन 6 कर सकते हैं आप यहाँ पे। बस इतना करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रन ट्विक वाला, इस पर यहाँ पे आप क्लिक करिए। और अब यहाँ पे आप देखेंगे कि काम स्टार्ट हो गया है, ये सारा ऑप्टिमाइजेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको करके दे देगा। तो यहाँ पे वेट करिए जब तक कि ये पूरा कंप्लीट ना हो जाए, और इसके बाद कुछ और भी स्टेप्स हैं जो हमें यहाँ पे अप्लाई करने हैं, और 1 से 2 मिनट का टाइम लेके फाइनली यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे ये कंप्लीट होता है, इसे यहाँ से आप क्लोज करिए और यहाँ पे आपको डन वाला मैसेज भी आएगा, तो ओके करिए और इसे यहाँ से फाइनली क्लोज कर दीजिए। अब नेक्स्ट राइट क्लिक करिए अपने विंडोज आइकन पे, दोबारा से सेटिंग्स में जाइए, फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने पे आपको स्टोरेज वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पे जितनी भी टेम्परेरी फाइल है इसको यहाँ पे ये कैलकुलेट करेगा कि कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है। ये मेरी वर्चुअल मशीन है, नई मशीन है तो मुझे यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे काफ़ी बड़ा अमाउंट देखने को मिल सकता है जो ऑक्यूपाइड है टेम्परेरी फाइल के ज़रिए से। तो यहाँ पे आप टेम्परेरी फाइल पर क्लिक करिए और थंबनेल, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल, डाउनलोड अगर आइटम नहीं चाहते हो आप तो उसको भी यहाँ पर चेक कर सकते हो। फिर सारे अदर ऑप्शन को चेक करिए, रिसाइकल बिन, अगर आप डिलीटेड आइटम को दोबारा से रिस्टोर नहीं करना चाहते हैं तो रिसाइकल बिन को भी चेक करिए। और फिर फाइनली यहाँ पे रिमूव फाइल पे क्लिक करिए, तो सारी जंक फाइल जितनी भी टेम्परेरी फाइल है वो यहाँ से आपकी क्लीनअप हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ से इसे भी क्लोज करिए। नेक्स्ट अपने विंडो सर्च पर क्लिक करिए, टाइप करिए sysdm.cpl, एंटर कराइए। इस तरह का एक बॉक्स यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे आपको टॉप मेन्यू में क्लिक करना है एडवांस्ड पे, फिर परफॉर्मेंस के नीचे आपको मिलेगा सेटिंग, यहाँ पे क्लिक करिए और ये यहाँ पे सेट होता है लेट विंडोज चूज व्हाट बेस्ट फॉर माय कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपको थर्ड वाला ऑप्शन चूज करना है, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। और यहाँ पे दो ऑप्शन को सिर्फ आपको चेक करना है जो ज़रूरी है, जो कि है शो थंबनेल इंस्टेड ऑफ आइकन और स्मूथ एजेस ऑफ स्क्रीन फॉन्ट। इनेबल पीक वाले को भी आप यहां पे चेक कर सकते हैं। बाकी फिर यहां पे अप्लाई करिए, ओके पे क्लिक करिए और ओके करके इसे भी क्लोज करिए। अब गाइस नेक्स्ट हम यहां पे हिटमैन प्रो का यूज करेंगे जो हमें हेल्प करेगा हर तरह के इन्फेक्शन, वायरस और मैलवेयर को रिमूव करने का, क्योंकि ये सारे जंक, ये सारे जो अनवांटेड चीजें होती हैं ये भी आपके परफॉर्मेंस को काफी हद तक स्लो कर देती हैं। तो एक फ्री टूल है हिटमैन प्रो, आपको इस वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आने के बाद फ्री 30 डे ट्रायल वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए।
फिर यहाँ पे डिपेंडिंग 32 bit आप यूज़ कर रहे हैं या 64 bit, इसको यहाँ पे आप डाउनलोड करिए और यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे डाउनलोड हो जाता है इस पर यहाँ पे आप क्लिक करिए, यस पे क्लिक करिए, और यहाँ पे नेक्स्ट पे दोबारा से क्लिक करिए, नेक्स्ट, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन को चूज़ करिए, नो आई ओनली वॉन्ट टू परफॉर्म अ वन टाइम स्कैन, नेक्स्ट करिए, और यहाँ पे ये स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ पे मिनिमाइज़ कर लेते हैं। और अब हमें फाइनली अपने क्रोम ब्राउज़र को भी यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ करना है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लोग यहाँ पे क्रोम का यूज़ करते हैं और क्रोम स्लो चलने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारे पूरे पीसी का परफॉर्मेंस डाउन है। तो उसके लिए क्रोम ब्राउज़र को ओपन करिए, राइट एंड टॉप पे 3 dot ऑप्शन पे क्लिक करिए, सजेशन में आपको चूज़ करना है यहाँ पे एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन पे होवर अप करने पे आपको मिलेगा मैनेज एक्सटेंशन, यहाँ क्लिक करिए। अब यहाँ पे जितने भी एक्सटेंशन आपके इंस्टॉल्ड है वो यहाँ पे आपको शो करेंगे। अब यहाँ पे आपको वो सारे एक्सटेंशन को फाइंड आउट करना है जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिनको आप नहीं पहचानते हैं, या जो आपको बहुत यूज़फुल नहीं लगता है उसको भी यहाँ से रिमूव करिए। ठीक है, तो जो भी आपको ऐसा लगता है आप रिमूव पे क्लिक करिए और ये सारे यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। फिर उसके बाद दोबारा से राइट एंड टॉप पे 3 dot पे क्लिक करिए और सजेशन में चूज़ करिए सेटिंग्स, सेटिंग में लेफ्ट एंड मेन्यू ऑप्शन में क्लिक करिए प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, यहाँ पे मिलेगा आपको क्लियर ब्राउजिंग डेटा, यहाँ पे क्लिक करिए, एडवांस पे क्लिक करिए, टाइम रेंज ऑल टाइम, यहाँ पे पासवर्ड और ऑटोफिल फॉर्म डेटा को अनचेक रहने दीजिए, बाकी सारे ऑप्शन को यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, क्लियर डेटा पे क्लिक करिए। और थोड़ा सा टाइम लेके यहाँ पे देखिए ये सारा जो जंक है वो आपका डिलीट कर देगा। बस इसे भी यहाँ से क्लोज करिए, हिटमैन प्रो को ओपन करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 99% हमारा यहाँ पे पहुँच गया है। तो जैसे ही ये 100% कंप्लीट हो जाता है हम फाइनली अपने सिस्टम को यहाँ पे रीस्टार्ट करेंगे, और आपको भी यहाँ पे सारे स्टेप्स को अप्लाई करने के बाद सिस्टम को रीस्टार्ट कराना है। और रीस्टार्ट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि किस तरह का फ़र्क यहाँ पे आएगा और परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पे कितना चेंजेस देखने को मिलेगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो गया है। तो दोबारा से अगर विंडोज आइकन पे क्लिक करें, टास्क मैनेजर पे जाएं, और अब यहाँ पे अगर हम परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा जो हमारा यहाँ पे प्रोसेसेस था अराउंड 171, 172 वो अब यहाँ पे रिड्यूस होकर 84 आ गया है। इवन आप यहाँ पे CPU और मेमोरी यूसेज को भी चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी ड्रॉप देखने को मिलेगा, और इसकी वजह से अब आपका सिस्टम यहाँ पे लैग करना, स्मूथ ना चलना, ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे आपकी ठीक हो जाएगी। तो दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काम आएगी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।